जम्मू के जितने भी रिसोर्सेज हैं उन पे बाहर के लोगों का कब्ज़ा, मसलन बाज़ार पे आपने देखा बड़े बड़े रिटेल सेंटर्स मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस को खड़े कर दिए गए और वो छोटा व्यापारी जो था वो मर गया। देखिए ऐसा है कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में क्या बदला है वो आज हम सब लोगों के सामने है, बल्कि पूरी दुनिया के सामने में। आपने देखा जो यहाँ पर सबसे बड़ी यहाँ के हालात, यहाँ का पीस, यहाँ पर पथराव होते थे, यहाँ पैलेट चलते थे, यहाँ गोलियाँ चलती थी और जिसके नतीजे में हमारे काफ़ी नौजवान आज तक ज़ाया हुए, उनका खून ज़ाया हुआ है। हाँ, बुनियादी तौर पर एक और बात मैं जो बताना चाह रहा हूँ, कश्मीर में 370 हटने के बाद जो वायलेंस उसमें किसी हद तक कमी हुई, लेकिन वो 370 हटने के बिना पर नहीं हुई, बल्कि देयर इज ए टैसिट अंडरस्टैंडिंग, एक समझौता है, सीज फायर है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, जिसका नतीजा हम यहाँ देख रहे हैं कि वायलेंस किसी हद तक कम हुआ। They don't have any love for people of Jammu and Kashmir. Had that been the case, after abrogation of 370, they would have gone for elections. They would have given people of Jammu and Kashmir a chance to elect their government, to have their own leader.